दोस्तों, अगर आप क्लास 6 से 12 तक किसी भी क्लास में हो, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रहा है तो अब आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि डाउट नॉट की तरफ से एक नंबर आया 8400 400 400। इसमें आपको अपने क्वेश्चन का फोटो खींचना है व्हाट्सएप पर और इसको अच्छे से क्रॉप कर लेना है कि जिसमें सिर्फ क्वेश्चन ही दिखे, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, इसको क्रॉप कर आपको 8400 400 400 नंबर पर व्हाट्सएप पर भेज देना है और आपको मात्र 3 सेकेंड वेट करना है। जैसे ही काउंट टू 3 2 1, आपको 3 सेकंड वेट करोगे, आपको आपका क्वेश्चन का जवाब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के एकदम बेहतरीन तरीकों से सरल स्टेप में, कई तरीकों से कई स्टेप में आपको यहां पर आपका आंसर मिल जाएगा। आपको ना कोई पैसा देना पड़ेगा ना कुछ, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप तुरंत इस नंबर पर अपने क्वेश्चन को भेजे और साथ में डिस्क्रिप्शन में इस ऐप का लिंक भी दिया हो तो जरूर जाकर डाउनलोड। हेलो डियर फ्रेंड्स, निखिल पांडे पर फिर से स्वागत करता हूँ हमारे नए चैप्टर लोकतंत्र और विविधता, जो कि सिविक्स का चैप्टर 3rd है इसका। मैंने आपको 2 चैप्टर कंप्लीट करा दिया है तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। और तीसरा जो चैप्टर आपका लोकतंत्र और विविधता, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपके सोशल स्टडीज में जितने भी टॉपिक्स दिए हुए, जितने चैप्टर्स दिए हुए, हर चैप्टर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो चाहे दीर्घ उत्तरी में, चाहे लघु उत्तरी में, चाहे अति लघु उत्तरी में, कहीं भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो फिर आप इसको मन से पढ़ाई करें। और मैं बार बार कहता हूँ कि यही एक सब्जेक्ट है जो कि आपको काफी अच्छे मार्क्स दिला सकता है और आपके परसेंटेज को क्या कर सकता है, गेन कर सकता है ना। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे कि आपका परसेंटेज क्या हो सकता है, हाई हो सकता है। और यही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपका परसेंटेज गिरा भी सकता है। तो आप लोग एकदम मन से पढ़ाई करें और हमारी वीडियोज को देखते हैं। ये जो हमारा जितने भी मैं आपको वीडियोज लेकर के आ रहा हूँ सोशल स्टडीज के या सोशल साइंस के, जो भी आप कह लें, आप इसको देखें, आपके एबव 85 मार्क्स तय हैं जो कि आपके आ जाएंगे इस सब्जेक्ट में, पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, ठीक है। बाकी जैसा आप लोग को पता है कि ये जो हमारा चैनल है शुभम क्लासेस, ये यूट्यूब का नंबर 1 चैनल है, तो आपकी प्रिपरेशन काफी अच्छे से कराई जा रही है। तो आइए हम ध्यान देते हैं कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें, जो मुख्य टॉपिक्स हैं वो क्या क्या हैं। देखिए, पहला हमारा एफ्रो अमेरिकन है। आपने अगर ये चैप्टर पढ़ा होगा तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा होगा तो फिर मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए, एफ्रो अमेरिकन हम कैसे कहते किसे हैं। एफ्रो से यहाँ मतलब है अफ्रीकन से, एफ्रो का मतलब हमारे यहाँ किससे दिया हुआ, अफ्रीकन से दिया हुआ है। अमेरिकन का मतलब अमेरिकन, यानी कि वो अमेरिकन जो क्या थे, पहले अफ्रीकन थे। वो अमेरिकन जो पहले क्या थे, अफ्रीकन थे, उन्हें एफ्रो अमेरिकन कहा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कुछ लोग अफ्रीका से अमेरिका लाए गए या फिर खुद से आए, कैसे वो अमेरिकन बने, इसके बारे में हमें इस पूरे चैप्टर में, इस पूरे सब्जेक्ट में पढ़ना है, इस पूरे सिविक्स का चैप्टर 3 में ना। इसीलिए दिया लोकतंत्र और विविधता। विविधता को हम बोलते हैं डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मतलब कि लोगों में विविधता होती है ना, जैसे धर्म में विविधता होती है, जाति में विविधता होती है, रंगों में विविधता होती है ना। आप ऐसे समझ सकते हैं, कोई गोरा होता है तो कोई काला होता है, तो उसमें क्या क्या रंगों की विविधता हो गई ना। तो इसी विविधता के बारे में मैक्सिमम हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो एफ्रो अमेरिकन, अश्वेत शब्द, अश्वेत का मतलब क्या हुआ दोस्तों, अश्वेत को हम डायरेक्ट बोल सकते हैं काला, अश्वेत को हम क्या बोल सकते हैं काला, उन अफ्रीकी लोगों के वंशजों के लिए प्रयुक्त होता है जिन्हें 17वीं सदी से लेकर 19वीं सदी की शुरुआत तक अमेरिका में गुलाम बनाकर लाया गया था। मैंने बताया ना, इसमें किसके बारे में बताया गया, या तो अफ्रीकन जो थे वो अमेरिकन खुद आकर के बने, या तो उन्हें लाया गया या गुलाम बना करके लाया गया। तो अश्वेत यानी कि श्वेत यानी कि गोरा, अश्वेत यानी कि काला, ये जो शब्द है उन अफ्रीकी लोगों के वंशजों के लिए प्रयुक्त होता है। वंशज किसे कहते हैं, तो जैसे दादा परदादा, उनके दादा, उसे हम वंशज बोलते हैं ना, हमारे वंशज कहलाते हैं। तो उनके वंशजों के लिए प्रयुक्त होता है जिन्हें 17वीं सदी। 17वीं सदी का मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे अभी हम लोग किस सदी में चल रहे हैं, तो हम लोग अभी 21वीं सदी में चल रहे हैं ना, किसमें चल रहे हैं, 21वीं सदी में चल रहे हैं। जैसे अभी सब लोग बोलते हैं कि सर अभी तो हमारा 2019 चल रहा है, तो ये 20 हुआ तो हम 21वीं सदी में कैसे चल रहे हैं। तो 21वीं सदी का मतलब ये हुआ कि 20 सदी हम क्या कर रहे हैं, पूरा करने वाले हैं। जब हम 20 सदी कंप्लीट कर लेंगे तब हम कहां जाएंगे, 21वीं सदी में जाएंगे ना, 21 पूरा करेंगे। जब 21 पूरा करेंगे तो हमारा 22वीं सदी चलने लगेगा, तो इसे हम 21वीं सदी बोलते हैं। तो 17वीं सदी का क्या मतलब हुआ, 17वीं सदी का मतलब हुआ कि 1600 से, कहां से, 1600 से लेकर के 19वीं सदी की शुरुआत तक, 19वीं सदी की शुरुआत तक, यानी कि एक तरीके से मान सकते हैं कि 1800 ईस्वी तक ये माना जा सकता है ना, इसे हम बोलते हैं सदी की शुरुआत तक अमेरिका में गुलाम बनाकर लाया गया था। अच्छा, आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा दशक, सुना ही होगा आप लोगों ने दशक। तो दशक हम किसे कहते हैं, तो दशक अभी हम बोलते हैं कि हमारे जो बीते हुए 10 साल थे उसे हम क्या कहते हैं, दशक कहते हैं ना। जैसे 2010 से लेकर के 2020, इसके बीच में हम दशक बोलते हैं,
ठीक 2010 से 2020 से 2009 से 2019 तक ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा दशक हो गया। सदी को हम शतक बोलते हैं, सदी बोलते हैं, सदी मतलब 100 साल ना, तो 19वीं सदी तक शुरुआत अमेरिका में गुलाम बनाकर लाया गया था। तो एफ्रो अमेरिकन को अमेरिका में कैसे लाया गया था, गुलाम बना करके लाया गया था। अब देखिए अश्वेत शक्ति आंदोलन क्यों हुआ या फिर अश्वेत शक्ति आंदोलन किसे कहते हैं, इसके मुख्य कारण क्या थे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो मैं आपको इसके बारे में आगे पढ़ाने से पहले बता दूं कि जो अश्वेत शक्ति आंदोलन था ये अफ्रीकन के द्वारा ही चलाया गया था, कुछ अमेरिकन भी इसमें शामिल थे। क्यों शामिल थे, ये आंदोलन चलाया क्यों गया था, ये आंदोलन चलाने का मेन मुख्य कारण ये था कि वहां पे लोगों के रंगों में भेदभाव किया जा रहा था। जो गोरे लोग थे वो काले लोगों पर अत्याचार करते थे, उनको मारना पीटना कहीं भी तरजीह ना देना, तो उसमें बहुत ज्यादा वो लोग उन लोग के साथ गलत व्यवहार करते थे। तो इससे उन लोगों ने क्या किया, जो अश्वेत लोग थे उन्होंने अपना संगठन बनाया। ये एक बात है, एक ओलंपिक में गेम हो रहा था जिसमें कि ये आपके चैप्टर में दिया हुआ उसको आप समझ लीजिए। तो उसमें अफ्रीकन जो थे वो एक बंदा फर्स्ट आया था और एक बंदा थर्ड रैंक लेकर के आया था, और जो श्वेत यानी कि जो गोरे था यानी जो अमेरिकन था वो सेकंड रैंक लेकर के आया था ना। तो पहला और जो तीसरा रैंक लाने वाले बंदे थे उन्होंने क्या किया था, अपने हाथ में काले ग्लव्स पहने थे, काले कलर के ग्लव्स पहने थे, और अपना एक हाथ ऊपर करके मुंडी नीचे किया था उन्होंने। वो क्या दर्शाने की कोशिश कर रहे थे, वो अपने अश्वेत शक्ति के आंदोलन को दर्शाने की कोशिश कर रहे थे कि हमें कहीं भी कोई भी इज्जत नहीं दी जाती, मारा पीटा जाता है हमारे रंगों की वजह से, तो इसका वो क्या करते हैं, आंदोलन करते हैं। ठीक, तो ये अश्वेत शक्ति आंदोलन है 1966 में शुरू हुआ। कब शुरू हुआ, 1966 में शुरू हुआ और 1975 तक चलता रहा, यानी कि पूरे 9 साल, 1966 में शुरू हुआ और 1975 तक चलता रहा, यानी कि 9 साल तक चलता रहा यह आंदोलन। नस्लवाद को लेकर के इस आंदोलन का रवैया ज्यादा उग्र था, नस्लवाद को लेकर के इस आंदोलन का रवैया ज्यादा उग्र था ना। इसका मानना था कि अमेरिका से नस्लवाद मिटाने के लिए हिंसा का सहारा लेने में भी हर्ज नहीं है। तो अब जितने भी अमेरिकी लोग थे, नस्ल लोग बोलते थे कि अरे यार गोरे नस्ल का है ये, काले नस्ल का है ना ये, किसी और नस्ल का है, मैं किसी और नस्ल का हूँ। तो ये जो अमेरिका से नस्लवाद मिटाने के लिए उन लोगों ने क्या सोचा, जो सत्य आंदोलन किया उन्होंने 1966 से 1975, उन्होंने सोचा कि अगर इसके लिए हमें हिंसा करना पड़े अपने जीत के लिए, अपने सम्मान के लिए, मान के लिए, अगर हमें हिंसा भी करना पड़े तो उसमें भी हम पीछे हटने वाले नहीं है। अब बात करता है नीदरलैंड की, नीदरलैंड हमारा कहाँ पड़ता है, तो नीदरलैंड हमारा यूरोप में पड़ता है, तो उसमें कहाँ पड़ता है, यूरोप में पड़ता है ना। इसकी कैपिटल क्या है, तो इसका कैपिटल होता है एम्स्टर्डम। ठीक, नीदरलैंड का कैपिटल एम्स्टर्डम। नीदरलैंड में वर्ग और धर्म के बीच मेल दिखाई नहीं देता है, वर्ग और धर्म के बीच मेल दिखाई नहीं देता है। इसका मतलब क्या होता है कि जो नीदरलैंड में जितने अलग अलग वर्ग के लोग हैं और जितने जाति धर्म के लोग हैं उनके बीच कोई मेल दिखाई नहीं देता है। वहां कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों में अमीर और गरीब है। देखिए कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट क्या है, धर्म बोल सकते हैं हम, ये लोग भी चर्च में जाते हैं, ये लोग भी चर्च में जाते हैं, ये भी यीशु मसीह का ही पूजा करते हैं, ये लोग भी ईसा मसीह का ही पूजा करते हैं, लेकिन क्या है इन लोग का मानना अलग है, धर्म इन लोगों का अलग है, पूजा एक ही देवता करते हैं, एक ही जगह जाकर के करते हैं, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, वर्ग और धर्म इन लोग के काफी अंतर पाया जाता है। इन दोनों में अमीर और गरीब है। परिणाम यह है कि उत्तरी आयरलैंड में ये भी हमारा कहाँ पड़ता है, ये भी हमारा यूरोप में पड़ता है, इसका कैपिटल डबलिन होता है। परिणाम यह है कि उत्तरी आयरलैंड में कैथोलिकों और प्रोटेस्टेंटों के बीच भारी मारकाट चलती रहती है। तो उसमें कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट जो होते हैं उनके बीच क्या रहता है, हमेशा मारपीट चलता रहता है, मारकाट करते रहते हैं, लोग दूसरे को मारते रहते हैं। पर नीदरलैंड में ऐसा नहीं होता, नीदरलैंड में लोग एक दूसरे के खिलाफ तो रहते हैं लेकिन ऐसा मारकाट वो कभी नहीं करते ना। अच्छा नीदरलैंड में मारकाट का कारण क्या है, नीदरलैंड में यह है कि आयरलैंड में मारकाट का कारण क्या है, तो उत्तरी आयरलैंड में 55% आबादी प्रोटेस्टेंट है, 15% आबादी किसके हैं, प्रोटेस्टेंट के हैं, जबकि 44% रोमन कैथोलिक हैं। यानी कि आबादी किसका ज्यादा, प्रोटेस्टेंटों की आबादी ज्यादा है और रोमन कैथोलिकों की कम है। कैथोलिकों का नेतृत्व तो नेशनलिस्ट पार्टियां करती हैं, कैथोलिकों का नेतृत्व तो कौन करता है, नेशनलिस्ट पार्टियां करती है, प्रोटेस्टेंट लोगों का प्रतिनिधि यूनियनिस्ट पार्टियां करती है ना। अब देखिये नेशनलिस्ट पार्टियां और यूनियनिस्ट पार्टियां क्या होती है, यूनियन से आपको समझ में आ रहा होगा संघ, यूनियन का मतलब संघ, नेशनल का मतलब क्या हो गया, राष्ट्रीय। यानी कि जो कैथोलिकों का नेतृत्व करते हैं वो कौन करते हैं, नेशनलिस्ट पार्टियां करते हैं, और प्रोटेस्टेंटों का प्रतिनिधि कौन करता है, यूनियनिस्ट करते हैं, यानी कि संघ के जितने भी हमारे सरकार आते हैं वो उनकी क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं और अच्छी चीज इसके बारे में जानते हैं।
अब बात किया जर्मनी और स्वीडन का, ये भी हमारा कहाँ का, यूरोप। देखिए दोस्तों, यूरोप के बारे में ज्यादा बात किया ना, तो जर्मनी और स्वीडन जैसे देशों में समरूप समाज है। समरूप समाज का मतलब क्या होता है, समान रूप का समाज है ना। भारत काफी बड़ा देश है जिसमें अनेक समुदायों के लोग रहते हैं, जैसा कि हम लोग भारत में रहते हैं तो यहाँ पे कई समुदाय के लोग रहते हैं, अलग अलग समुदाय के लोग हैं, जैसा कि आप लोग को पता है इसके बारे में। जर्मनी का कैपिटल हमारा बर्लिन होता है, स्वीडन का कैपिटल हमारा स्टॉक होम होता है, ठीक है। ये दोनों ही कहाँ पर पड़ता है, ये दोनों ही नीदरलैंड सॉरी यूरोप में पड़ता है ना। अब देखिए अमेरिका में श्वेत और अश्वेत का अंतर एक सामाजिक विभाजन भी बन जाता है। अमेरिका में दोस्तों आप लोग पहले भी सुने होंगे कि वहां पे काले गोरों का बहुत ज्यादा भेद होता है, सामाजिक विभाजन होता है, यानी कि समाज को दो अलग अलग भागों में बांट देता है। वहां के जो गोरे लोग होते थे वो क्या करते थे, काले लोगों की एकदम भी सम्मान इज्जत कुछ नहीं करते थे, उन्हें चुका हुआ मानते थे। तो उससे क्या हुआ कि जो अश्वेत लोग भी थे वो अपना एक अलग ही ग्रुप बना लेते थे, तो उससे क्या होता विभाजन हो जाता था ना, क्योंकि अश्वेत लोग आमतौर पर गरीब हैं, बेघर तथा भेदभाव के शिकार हैं। ये लोग गरीब भी होते हैं क्योंकि इन्हें जब नौकरी मिलेगी नहीं तो जाहिर सी बात है गरीबी तो आएगी ही। सामाजिक विभाजन अधिकांशतः जन्म पर निर्धारित होता है, जाहिर सी बात है कि जहां उनका जन्म हुआ है वहां पर उनका रहन सहन। किसी देश में सामाजिक विभिन्नताओं पर जोर देने की बात को हमेशा खतरा मानकर नहीं चलना चाहिए, यानी किसी भी देश में सामाजिक विभिन्नताओं पर जोर देने की बात को हमेशा खतरा मानकर नहीं चलना चाहिए, खतरा नहीं होता है। जो हमारा लास्ट का आज का पॉइंट है वो देखिए है, लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन की राजनीतिक अभिव्यक्ति एक सामान्य बात है और एक स्वस्थ राजनीति का लक्षण भी हो सकता है। अब लोकतंत्र की बात करें दोस्तों, तो लोकतंत्र में जो हमारा सामाजिक विभाजन होता है उसकी राजनीतिक अभिव्यक्ति एक सामान्य बात है। क्या एक सामान्य बात है, किस हिसाब से, राजनीति के हिसाब से, और एक स्वस्थ राजनीति का लक्षण भी हो सकता है। देखिए राजनीति हम कहते किसे हैं, राजनीति का मतलब होता है राज करना ना, राज करके नीति करके राज करना, ठीक। तो जब सामाजिक विभाजन होगा तो उन्हें क्या होगा, अलग अलग समाज के अलग अलग समूह के लोग मिलेंगे जिस पर कि वो राजनीति करेंगे, ठीक। तो स्वस्थ राजनीति का लक्षण भी हो सकता है, इसका मतलब यही है। तो चैप्टर 3 दोस्तों आपका सिविक्स का कम्प्लीट हो गया। अब मैं इसका एक और वीडियो लेकर के आऊंगा जिसमें महत्वपूर्ण शब्दावली मैं आपको बताऊंगा। जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाएगा फिर हम चलेंगे आपके इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर, जो हमारा विकास यानी कि डेवलपमेंट है, उसके बारे में हम जानेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। वहां मैं आपका कंप्लीट करा लूंगा, तो फिर मैं आपका हिस्ट्री पूरा कंप्लीट कराऊंगा, और ऐसे करके मैं आपके सारे सब्जेक्ट कंप्लीट कराते रहूंगा। तब तक के लिए एकदम मन से पढ़ाई करें, लगे रहें पढ़ाई में ही, लगाए पूरा टाइम, क्योंकि पूरा टाइम अगर आप पढ़ाई में लगाते हो अपना तो आपके 90% तो कहीं नहीं गए। और फिर हम वादा करते हैं आपको दिलाने का, तो हम दिलाएंगे, लेकिन उसके लिए मेहनत आपको भी करनी होगी। जितना मेहनत हम करना है अगर उतना मेहनत आप भी कर देंगे तो आप टॉप ही नहीं करेंगे बल्कि दुनिया का कोई एग्जाम आप क्वालिफाई कर ले जाएंगे। तो इसी तरह मेहनत करें, पढ़ाई करते रहें, आपके सुनहरे भविष्य के लिए आपको ऑल द बेस्ट। थैंक यू।